हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूं आपके पेरिस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशायद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हो और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमने जो पकाया होता है वही हमें मिलता है। सीधी सी बात इसमें यह है कि कर्म पर डिपेंड रहती हैं सारी चीज़ें, हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल हमें मिलेगा। इसमें बस यही बोलने की बात की मतलब यही बात की गई है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं या जो भी है, मतलब अगर आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसका फल उसी तरीके से आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे आप कर्म करेंगे आपको उसी तरीके का ही फल मिलेगा। तो इसीलिए इसमें इस तरीके से बोली गई कि आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपने जो पकाया है वही उस आपको प्राप्त होगा। मैं नेक्स्ट सेशन पॉलिटी का लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको जो है वो राज्य विधान मंडल पढ़ाऊँगी, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ, जिनके बारे में मैं आपको जो हूँ बताने वाली हूँ। ओके, तो हम देखेंगे, जैसे कि हम अगर बात करते हैं संसद की, तो वहाँ एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी स्टेट लेवल पे जो है वो एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो जैसे संसद में राज्यसभा होती है, वैसे यहाँ विधान परिषद होती है, ठीक है। और जैसे संसद में लोकसभा होती है, वैसे यहाँ विधानसभा होती है, ठीक है। विधानसभा को निम्न सदन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, युवाओं का सदन, इस तरीके के नामों से जो है वो बुलाया जाता है। उच्च सदन यानी कि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, स्थाई सदन, बड़ों का सदन, ठीक है। तो इसको जो है वो इन नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में ये जो है वो भारत के 6 राज्यों में है। विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, भारत के मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। और सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। यानी कि जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं भारत में, कितने राज्य हैं कोई कमेंट करके बताइए अगर किसी को पता हो, तो सभी राज्यों में अपनी विधानसभा है। लेकिन हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और अब जैसे कि जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, और पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इजीली जो है वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जिन राज्यों में मतलब विधान परिषद है, अभी कितनी संख्या बताई थी मैंने आपको, 6, उनमें से जो है वो नाम आपको मैं बता रही हूँ, इनको आप लोग चाहे नोट कर लीजिए या याद रखिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अभी हो सकता है आने वाले थोड़े टाइम में जो है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में भी जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात चल रही है, हो सकता है वहाँ भी जो है वो हो जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में जो है वो इन 6 राज्यों में है। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये है बिहार, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटक, ओके, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। अगर आपको जैसे नहीं याद हो रहा है तो बहुत इजी वे में आप लोग याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, तो ये दो पास के हो गए, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये दोनों पास के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये हो गया तेलंगाना। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना, ग्रुप में याद करो, दो कपल टाइप हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार को कपल बना लीजिए, महाराष्ट्र कर्नाटक को कपल बना लीजिए, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कपल बना लीजिए, ठीक है। तो आपके 6 विधान परिषद वाले राज्य कवर हो गए। ओके, क्वेश्चन आ जाता है भाई बच्चों, इसलिए आप लोग जो है दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम यहाँ कंपेयरिंग करते हैं संसद की यानी कि पार्लियामेंट की और विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर की। इसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और सांसद होते हैं इसमें दोनों के, ठीक, जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है
लेजिस्लेचर, ओके, इसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, ठीक। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो MLA होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो MLC बोले जाते हैं, ठीक है। होते क्या है, मेनली वो विधायक होते हैं, ओके। तो आप देखते होंगे कि जब विधानसभा का या विधानमंडल के इलेक्शन हो रहा था, कहते हैं विधायकी का इलेक्शन हो रहा है, विधायकी का आपने सुना होगा लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। हम बात करते हैं आर्टिकल 168 यानी कि 168 की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा, ठीक है। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। यानी कि जैसे कि हमारा संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। लेकिन जिसमें विधान परिषद नहीं है तो हम मतलब जहाँ केवल एक सदन है उसका नाम विधानसभा होगा, यानी कि विधानसभा और राज्यपाल। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप आप लोगों ने समझा होगा, यह मैंने अच्छे से समझाया है आई थिंक, पता नहीं, फिलहाल आप लोग बताइएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 169 की, जिसमें राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, मतलब किस तरीके से विधान परिषद की स्थापना होती है, किस तरीके से समाप्ति होती है, ये हम बताते हैं, ओके। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत, यानी कि विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, ठीक है, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, तो विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यानी कि वो विधेयक जो है वो पास हो जाता है, और जिस राज्य ने भी इस तरीके का भेजा है वहाँ विधान परिषद का जो है वो निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे किसी राज्य में 100 सीट हैं, ओके, अगर किसी राज्य में 100 सीट हैं तो पूर्ण बहुमत किस पे मिलेगा, पूर्ण बहुमत कितने मिलेगा, 50+1 यानी कि 51 पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दो तिहाई, अगर वहाँ 60 सीट हैं तो 60 का दो तिहाई कितना हो गया, 40, ओके, और 90 का दो तिहाई कितना हो गया, 60। अगर इस तरीके से है तो मतलब ये है, आपको मेनली जो याद करने की चीज़ है वो ये है कि कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत यानी कि जितने भी सदस्य हैं, जो सदस्य संख्या है उसका पूर्ण बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, ओके, और संसद में जाके वो दोनों साधारण बहुमत से पास हो जाए बस, और राष्ट्रपति साइन कर दे यानी कि वो विधेयक पास हो गया। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो विधानसभा लोकसभा की तरह ही है, इसका कार्यकाल 5 साल है। इसकी योग्यता क्या क्या है नागरिक की, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो उसकी, ठीक है, इससे कम ना हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल व दिवालिया ना हो, ओके। ये लोकसभा है या विधानसभा है, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव के तहत जो है वो लोक सदस्य बनते हैं। आप देखते हैं डायरेक्ट जो है वो वोटिंग होती है जिसमें हम लोग वोट डालने जाते हैं, ओके। विधान परिषद है या राज्यसभा है, इसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं, इसमें हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है, वो लोग जो है वो उनका वोटिंग करते हैं उनके लिए जाके, ओके। राज्यसभा की तरह ही विधानसभा का कार्यकाल भी जो है वो 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 साल में जो है वो एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, यानी कि हर 2 साल बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है वो एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए लोग आते जाते हैं। इनकी अर्हता क्या है, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार के किसी भी मतलब सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो और पागलवा दिवालिया ना हो। इसका कैसे होता है चुनाव, अप्रत्यक्ष
रूप से। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से कि विधान परिषद या राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा का कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है आइए देखते हैं। इसमें एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही उनका चुनाव होता है। ठीक है, एक तिहाई सदस्यों को स्थानीय निकाय के यानी कि लोकल बॉडीज, नगर पालिका और ये सारी चीज़ों के द्वारा एक तिहाई सदस्य आते हैं। 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं या उससे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विधान परिषद में सदस्य चुनकर जाते हैं उनमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा यानी लोकल बॉडीज़ के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे कि 12 सदस्य हमने देखा है ना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसी तरीके से विधान परिषद में राज्यपाल भी मनोनीत करता है, खेल, साहित्य और इस प्रकार की जो और चीज़ें हैं। ठीक है, 1/12 स्नातक जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग, और 1/12 वो जो पिछले 3 साल से वो टीचर्स जो माध्यमिक किया उससे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, विधानसभा की अगर हम बात करें इसमें सदस्यों की संख्या 500 होती है, कम से कम 60 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, इसमें जो हमने न्यूनतम संख्या रखी हुई है 60 सदस्यों की, उनसे कम इसमें क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ यार जिस तरीके की सीट हैं, जिस तरीके के लोग हैं, मतलब यहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, तो उसी हिसाब से यहाँ चीज़ें हैं। इसके अधिकारी कौन कौन होते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3। ठीक है, और कम से कम 40, तो विधानसभा में कितनी है? कम से कम 60 और इसमें कम से कम 40, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके अधिकारी कौन है? सभापति और उप सभापति, जैसे कि आपने लोकसभा और राज्यसभा में देखा है। ठीक, आरक्षण की अगर बात करें तो अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य किसी विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में सुप्रीम कोर्ट और SC और ST जातियों के आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, मैं अभी गलत बोल गई थी। आर्टिकल 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और ST यानी कि अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 332 यानी कि 332। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 333 की, तो इसके अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करते थे। ठीक है, 333 के अनुसार वो पूछ सकते हैं ना, 333 मतलब क्या है क्या नहीं है, 332 में क्या है या किससे संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, 104 जो 4वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए भी इसको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 333 या 333 किससे संबंधित था। तो जब आपको ये पता होगा तभी तो आप बताएंगे ना किससे संबंधित था, कि उसमें भैया एक आंग्ल भारतीय को जो है विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो उसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ, देखते हैं इनमें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। जो विधानसभा होती है ठीक, उसे राज्य सूची पे तो राज्य ही बनाता है। ठीक, संवर्ती सूची यानी कि कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जिन पे सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ओके, धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधेयक को
विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि धन विधेयक जो है वो विधान परिषद में पेश नहीं होता बल्कि विधानसभा में पेश किया जाता है और 14 दिन के भीतर विधान परिषद को जो है वो उसे लौटाना होता है विधानसभा के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब बजट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये विधानसभा में होती हैं, विधान परिषद में नहीं होते हैं इस तरीके के काम। ओके, ये तो थोड़ा सेंस लगा लो, उससे भी पता चल जाएगा। हम देखते हैं पॉइंट 4, जिसमें विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता। भाई राज्य को होल्ड किसने किया हुआ है? विधानसभा में। विधानसभा में नियम कानून राज्य के लिए सब कुछ बन रहा है तो भैया सब कुछ उसी के अनुसार ही तो होगा। ठीक है, तो कोई भी टैक्स कब लगाएंगे? जब विधानसभा चाहेगी, अनुमति देगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जिसमें मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे हम कहते हैं सामूहिक रूप से जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें विधानसभा के लिए होती है। विधानसभा के अन्य कार्य और शक्तियाँ देखते हैं, विधानसभा किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकता है। मतलब सॉरी, विधान परिषद के काम है ये। तो विधान परिषद के लिए अगर कोई विधेयक भेजा गया पास करने के लिए तो उसके पास सिर्फ 4 माह होते हैं, वो सिर्फ तभी तक ही उसको अपने पास रोक सकता है, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकता। ठीक है, अन्यथा उसको जो है वो पास माना जाएगा, ये होता है। ठीक है, पॉइंट 2 की बात करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन में किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कैसी है? उत्तर प्रदेश में 100 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, बिहार में 75 हैं, कर्नाटक में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 हैं और तुम्हारे तेलंगाना में 40 हैं। उनको याद रख लीजिएगा। मान लीजिए उन्होंने ये नहीं पूछा किस किस स्टेट में विधान परिषद है, उन्होंने ये पूछ लिया कि किस स्टेट में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगी। नमस्कार।